हेलो एवरीवन आज मैं कुछ पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है इससे रिलेटेड कुछ बताना चाहता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है पेपर अटैम्प्ट करते टाइम कि हमारे माइंड में एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें उसकी डिफ़िकल्टी लेवल का अंदाज़ा होना चाहिए तो जैसे हमें पता है ये बात कि क्वेश्चन जो आएंगे वो सभी एक लेवल के नहीं होंगे कोई टफ होगा कोई ईजी होगा तो हमें तीन लेवल में बाइफर्केट करना है पढ़ते साथ ही क्वेश्चन को सबसे पहला लेवल वन लेवल वन वो वाले क्वेश्चन हैं जो हम पहले देख चुके हैं इट इज़ लाइक वी हैव सीन दोज़ क्वेश्चन और इनका पढ़ते टाइम ही हमको दिमाग में पाथ फ्लो बन जा रहा है तो ये लेवल वन के क्वेश्चन हो गए फिर पेपर पढ़ते टाइम हो सकता है कुछ थोड़ा सा ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो हमने देखा हो लेकिन हम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि भाई ये हमसे होगा तो उसको लेवल टू में रख देते हैं ठीक है थीके? तो लेवल वन क्वेश्चन कौन से जिनको हमने पता है हमें कि इन हमें ये क्वेश्चन हमने देखे हैं ये क्वेश्चन हमने देखा है और ये क्वेश्चन हमें पता है पूरा प्रोसेस बस करने भर की देरी है वो लेवल वन क्वेश्चन लेवल वन के क्वेश्चन लगभग पचास परसेंट होंगे क्वेश्चन पेपर में ठीक है और लेवल टू के क्वेश्चन जो तुमने देखा है लेकिन तुम श्योर नहीं हो कि कैसे जाना है मतलब टाइम होगा तो कर दोगे मतलब कि अगर पेपर में नहीं होता क्वेश्चन तो वो हंड्रेड परसेंट तुम कर दोगे लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें पाथ फ्लो नहीं है तुम्हें कुछ लिख विख के देखना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा वैसे क्वेश्चन है लेवल टू के वो लगभग तीस परसेंट क्वेश्चन होंगे ठीक है सिमिलरली जो तीसरा लेवल है वो होगा कि तुम्हें देखा तुमने पढ़ा और तुमने लगा कि अरे साथ ना तो मैंने क्वेश्चन देखा है कभी और ना ही मेरे को इस टाइम पर कुछ समझ आ रहा है कि इसमें दिमाग लगाऊंगा मैं तो कुछ मेरे से बनेगा लेवल थ्री का क्वेश्चन मतलब कि तुमने ना देखा है ना तुमसे बनेगा ठीक है लेवल वन का क्वेश्चन वो जो तुमने देखा है और तुमसे बनेगा हंड्रेड परसेंट श्योर हो तुम पढ़ते साथ ही तुमने जजमेंट कर लिया लेवल टू का क्वेश्चन जो तुमने देखा है लेकिन तुम पूरी तरह श्योर नहीं हो कि ये मेरे से तुरंत बन ही जाएगा और लेवल थ्री का क्वेश्चन ना तुमने देखा है और ना तुमसे बनेगा तो लेवल वन के क्वेश्चन लगभग पचास होंगे हर दूसरा क्वेश्चन लेवल वन का क्वेश्चन हो सकता है ठीक है लेवल टू के क्वेश्चन थर्टी परसेंट होंगे तकरीबन यानी हर तीसरा क्वेश्चन लेवल टू का हो सकता है और लेवल थ्री के क्वेश्चन लगभग ट्वेंटी परसेंट होंगे यानी कि हर पांचवा क्वेश्चन लेवल थ्री का हो सकता है तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ते टाइम ये प्रैक्टिस करनी है इस इस कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है कि हम बाईफ पर कर पा रहे हैं क्या उन तीन लेवल में से कि कौन से लेवल का क्वेश्चन है ठीक है उसके बाद जैसे ही हमने क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हमें ये एंटिसिपेट करना है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन किस लेवल का है और जैसी एंटिसिपेशन हुआ कि अगर वो लेवल वन का है तो उसको तुरंत अटैम्प्ट करके आंसर को टिक लगा दो ठीक है अगर लेवल टू का है तो उसको छोड़ दो और उस पर मार्क लगा दो फॉर रिव्यू और अगर लेवल थ्री का है तो उसको छोड़ दो विदाउट इवन मार्किंग कम्प्लीटली छोड़ दो उस पर आने नहीं। वो क्वेश्चन है ही नहीं हमारे लिए ठीक है तो ये पहला पॉइंट कि हमें बाईफर्केट करना आना चाहिए कि हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा रन टाइम में जो हम पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में कुछ एंटिसिपेशन आएगा कि यार किस टाइप का क्वेश्चन है ये तो वो एंटिसिपेशन तीन लेवल्स में होना चाहिए ठीक है तो ये मेरा पहला पॉइंट कि भाई हमें डिफ़िकल्टी लेवल एंटिसिपेट करना आना चाहिए क्वेश्चन का हमारे हिसाब से फिर सेकेंड पॉइंट कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर न्यूमेरिकल आंसर होता है वो कम्पेरेटिवली ईजी होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इसका पॉसिबल रीज़न क्या है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू में गैसिंग वर्क नहीं चलता अरे तुम क्या तुक्का लगाओगे उसमें अगर तुक्के से लगाया तो बहुत कम चांस है कि तुम्हारा सही होगा तुम्हारा मतलब किसी का भी और अगर ऑब्जेक्टिव में तुक्का लगा दिया तो 25 परसेंट चांस है कि सही होगा 25 परसेंट बहुत बड़ा चांस होता है एज़ कम्पेयर टू इसमें तो लगभग जीरो परसेंट चांस है तो इसलिए इन्होंने रखे हैं ताकि एक्यूरेटली ही सॉल्व कर पाए कोई तो कम्पेरेटिवली ये ईजी होते हैं लेकिन इसके लिए फर्स्ट वन टाइम एक्यूरेसी चाहिए क्यों वन टाइम एक्यूरेसी चाहिए कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया कुछ और वहाँ पर कुछ आंसर आ गया मान लो फिफ्टीन और ऑप्शन में नहीं है फिफ्टीन तो हमें एक चेक पॉइंट मिल जाएगा यार कुछ गलती कर दी हमने और फिर तुरंत उसको अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में चेक पॉइंट नहीं है कुछ चेक मार्क नहीं है कि कुछ ऑप्शन अवेलेबल हो हमारे पास वहाँ पर वो बोले कि यार मतलब पंद्रह आया मान लो आंसर तो हमारे पास कोई चेक मार्क नहीं है कि पंद्रह ही आंसर है कि नहीं इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन करने के लिए हमें तो एक्यूरेसी चाहिए और फ्रेश माइंड चाहिए और पेशेंस के साथ करना पड़ेगा ऐसे फूँक फूँक के और ये शुरुआत में जब हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तब हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होती है कंपैरेटिवली तो इसलिए सबसे इसको स्लोली सॉल्व करना है और पेशेंटली सॉल्व करना है इसलिए हमें पहले 40 मिनट इंटीजर टाइप या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ठीक है तो पहले 15 15 क्वेश्चन जो मतलब पहले 40 मिनट जो है वहाँ पे पूरे 15 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना है 15 कैसे हो गए पाँच 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 तीनों सब्जेक्ट के तो जैसे पहले सब्जेक्ट में पहला हो सकता है मैथ्स आ जाए पहला ना तो मैथ्स में कौन से नंबर का क्वेश्चन होगा जो इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप होगा तो दिमाग में ऐसे इसे बिठा के चलो बीच तो ऑब्जेक्टिव इक्कीस से लेकर पच्चीस तक न्यूमेरिकल वैसे तो सबसे पहला अटैक होना चाहिए हो तुम्हारे इक्कीस से लेकर जैसे ही क्वेश्चन खोलने जा रहे हो तुम क्वेश्चन पेपर तुम्हारे दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू अटैम्प्ट इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन इज माई नंबर दैट इज गोइंग टू गोइंग टू बी अटैम्प्टेड बाई मी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ये पाँच क्वेश्चन उसके बाद फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी फाइव ये पांच क्वेश्चन उसके बाद सेवनटी वन सेवेंटी टू सेवेंटी थ्री सेवेंटी फ़ोर सेवेंटी फ़ाइव ये पांच क्वेश्चन तो ये पंद्रह क्वेश्चन तुम्हें चालीस मिनट में निपटाने हैं और ऑफ़ कोर्स केमिस्ट्री के करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा मैथ्स के करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा तो ये चालीस मिनट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ऐसा नहीं कि चालीस को बीस 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 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तुम ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि पाँच क्वेश्चन में पाँच मिनट ही लगें केमिस्ट्री के लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लग जाए मैथ्स के पांच क्वेश्चन करने में तो ये बस इन पन, इन पंद्रह क्वेश्चन को एक ही टाइप के क्वेश्चन मानो और इन्हें चालीस मिनट में सॉल्व करना है पहले चालीस मिनट में ठीक है फिर आ जाते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर तो पहला पॉइंट हो गया डिफ़िकल्टी लेवल से रिलेटेड दूसरा पॉइंट हो गया कि भाई इंटीजर वैल्यू हमें पहले सॉल्व करना है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन और तीसरा हो गया ऑर्डर ऑफ़ अटैम्प्ट ठीक है तो अब ऑर्डर ऑफ़ अटैम्प्टिंग में तुम्हें बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि यार कुछ लोगों का मैथ्स मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंपेयर किया जाए तो कुछ लोगों का फ़िजिक्स ज़्यादा स्कोरिंग है कुछ लोगों का केमिस्ट्री ज़्यादा स्कोरिंग है और कुछ लोगों का दोनों स्कोरिंग है तो उनके लिए मैं पहला ऑर्डर बता रहा हूँ अगर फिजिक्स स्कोरिंग है इिस्पेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री स्कोरिंग है या नहीं तो तुम्हें पहले चालीस मिनट तो नो डाउट इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन करने दें अगले चालीस मिनट फिजिक्स के क्वेश्चन करने दें ऑब्जेक्टिव जो बच जाएंगे फिर अगले चालीस मिनट मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जो बच जाएंगे फिर अगले तीस मिनट केमिस्ट्री करने ठीक है और उसके बाद तीस मिनट बचेंगे फाइनली तो वहाँ पर तुम लेवल टू के जो क्वेश्चन तुम मार्क करके छोड़ते हुए आ रहे हो उनको टाइम देना है आखिरी के तीस मिनट ठीक है और ये पहला ऑर्डर है जिसमें फिजिक्स स्कोरिंग है जिन बच्चों का उनके लिए ये बात हुई अच्छा जिन बच्चों के लिए फिजिक्स स्कोरिंग नहीं है है ना इरिस्पेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री स्कोरिंग है या नहीं ऑफ कोर्स केमिस्ट्री स्कोरिंग होगा अगर फिर स्कोरिंग नहीं है तो, तो पहले 40 मिनट तो न्यूमेरिकल वैल्यू करने है वहाँ तो कोई बात ही नहीं है लेकिन सेकेंड ऑर्डर में जिनका फिजिक्स स्कोरिंग नहीं है उन्हें पहले केमिस्ट्री अटैम्प्ट करना है चालीस पहले चालीस मिनट तो इंटीजर टाइप अटैम्प्ट हो गए फिर नेक्स्ट तीस मिनट उन्हें केमिस्ट्री अटैम्प्ट करना है फिर नेक्स्ट चालीस मिनट उन्हें मैथ्स अटैम्प्ट करना है और फिर नेक्स्ट फोर्टी मिनट फिजिक्स अटैम्प्ट करना है और जो आखिरी तीस मिनट बच जाए वहाँ पे लेवल टू के क्वेश्चंस पर वापस जाना है ठीक है तो हमेशा हमें क्या बात है? इस कंक्लूजन से मतलब क्या क्या बातें याद रख लेनी है कि पेपर करते टाइम हमें सबसे पहले चालीस मिनट न्यूमेरिकल वैल्यूड क्वेश्चन सॉल्व करने और हमें एंटिसिपेशन मिलना चाहिए इतना हमें अपना दिमाग को स्ट्रांग करना है और उसके बाद जैसे जो भी टाइम तुमने अलॉट किया है उससे आगे नहीं निकलना जैसे फर्स्ट चालीस मिनट अगर तुमने अलॉट किया इंटीजर टाइप करने के और तुम्हारे इंटीजर टाइप नहीं हुए पहले चालीस मिनट में तो छोड़ दो ठीक है ऐसा नहीं कि चालीस मिनट को तो तुम एक्सटेंड करके पचास मिनट कर दो तो। नहीं क्यों क्योंकि फिर आगे का टाइम कम पड़ जाएगा जैसे तुमने पहले चालीस मिनट इंटीजर टाइप किया हो गया उसके बाद तुमने तीस मिनट अपना सेट करके रखा है कि केमिस्ट्री करना है तो अगले तीस मिनट में केमिस्ट्री नहीं हुआ पूरा और थोड़ा सा आगे निकलना थर्टी मिनट पे तुम्हें स्टॉप हो जाना है तुम्हें लेट नहीं होना है अपने हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक सेक्शन पे जो तुमने टाइम अलॉट किया है उससे लेट नहीं होना है जल्दी हो जाए चलेगा लेट नहीं होना है कभी भी नहीं होना है ठीक है और नेवर गेट स्टकड एट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कभी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टक मत हो ऐसा तुम्हें फील हो कि भाई अब मैं तो इसमें उलझ रहा हूँ एक मिनट भी ऐसा लगे ना कि अब वेस्ट कर दिया मैंने छोड़ दो उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी अटैच मत हो बिल्कुल मत सोचो कि इसको तो करके रहूँगा क्योंकि हर चाहे ये अंधेर नगरी है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खा जाए इसका मतलब है यहाँ पे खोआ भी वही भाव मिलना है यहाँ पर भाजी वही भाव मिलना है इसका मतलब है कि ईजी क्वेश्चन हो उसके लिए भी तुम्हें चार मार्क्स मिलने टफ़ क्वेश्चन हो उसके लिए भी तुम्हें चार मार्क्स मिलने तो यहाँ पर अटैच होना हुनर दिखाने का कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम में एग्जाम में हमें बास्केट में अपने चार नंबर इकट्ठे करने हैं चाहे वो ईज़ी तरीके से आए चाहे वो टफ तरीके से आए और ईज़ी तरीके से आएंगे तो ज़्यादा मैक्सिमाइज़ होगा स्कोर ठीक है तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटकने लेवल थ्री जैसे ही तुमने सोचा कि ये मेरे से नहीं होगा लेवल थ्री का क्वेश्चन आ गया ये उसको छोड़ दो विदाउट गेटिंग अटैच क्योंकि हमें अगर हमने फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन कर लिए फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन भी अगर कर लिए तो हमारे आधे मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं वहाँ पर समझ तो रहे हो और अगर हमने ऐसे टफ क्वेश्चन में टाइम लगा के वेस्ट कर दिया तो हमारे जो इजी क्वेश्चन करने का टाइम था वो चला जाएगा तो पूरा दिक्कत हो जाएगी एंड सेकेंड नेवर अटैम्प्ट मैथ्स एट लास्ट मैथ्स कभी लास्ट में अटैम्प्ट मत करो मैथ्स मिडिल में अटैम्प्ट करो मैथ्स अगर तुम्हें लास्ट में अटैम्प्ट करने गए तो जल्दबाजी में मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे जनरली मेरा पर्सनल पर्सनल व्यू ये है कि अगर तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लिमिट ऐसा लग रहा है कि आखिरी तक पहुंचती है बात तो केमिस्ट्री आखिरी में करो क्योंकि केमिस्ट्री को करने में तुम्हें ज़्यादा उतना मतलब मैथ्स का क्वेश्चन देख के तुम टिक नहीं लगा सकते लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसने तुम देख के टिक लगा पाओगे इनऑर्गेनिक पर्टिकुलरली मैथ्स में तुम्हें दिख भी रहा ना कि अरे तो बहुत आसान है मुझे आता है लेकिन उसमें तुम्हें करना पड़ेगा वो जो आखिरी नर्वसनेस है उसमें तुम्हारा जो मेंटल ब्रेन है वो तेज़ भाग रहा होता है लेकिन फिजिकली जो हाथ से क्वेश्चन वगैरह लिखनी है वो उतना तेज़ नहीं भाग सकता तो इसका मतलब मैथ्स आखिरी में करना ही नहीं है नर्वसनेस जब तुम तुम्हारा दिमाग एकदम तेज़ी से भाग रहा है बहुत नर्वस हो रहा है तुम इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली सही कर सकते हो लेकिन मैथ्स के कभी नहीं कर सकते तो मैथ्स में मैथ्स को आखिरी में करने का पाप हमें कभी नहीं करना है ठीक है तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैंने तीन पॉइंट्स बताए कौन कौन से तीन पॉइंट्स हैं पहला कि डिफ़िकल्टी लेवल एंटिसिपेट करना है तुम्हें रीडिंग करते टाइम ही पढ़ते टाइम ही डिफ़िकल्टी लेवल तुम्हारे सामने आ जाना चाहिए और लेवल वन का क्वेश्चन है यानी कि देखा भी है और बनता भी है तुरंत करके ख़त्म कर दो उसको भूल जाओ फिर उसे लेकिन ऐसा है कि देखा देखा सा है लेकिन हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट नहीं है कि हो पाएगा तो उसको मार्क लगा के छोड़ दो और अगर लेवल थ्री का ऐसा लगता है ये तो होगा ही नहीं ये तो अपने बस के बाहर है छोड़ दो उसे बिल्कुल मत मार्क लगाओ वो तो तुम्हें क्वेश्चन है ही नहीं तुम्हारे लिए तो ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट न्यूमेरिकल वैल्यूड क्वेश्चन शुरू में अटैम्प्टे और तीसरा मैंने ऑर्डर का बताया ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तुम आगे के पेपर अपने अटैम्प्ट करना और इस चीज़ को और रेक्टिफाई करना और मेरे को और फीडबैक देना कि क्या तुम इससे तुम्हारा इम्प्रूव हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इससे इम्प्रूव होगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जो स्ट्रैटेजी है ये पर्टिक ये टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी ही है कि हम अपने जो हमें आता है उसको हार्नेस कर पाए उस लिमिटेड टाइम में तो क्वेश्चन से अटैच होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और हमें ये उद्देश्य है हमारा कि भाई हमें चार मार्क्स लेने उस क्वेश्चन में से और नेगेटिव नहीं करना है ये भी उद्देश्य है और अपनी एक्यूरेसीज़ वगैरह देखो तुम अगर जैसे तुम्हें लग रहा है कि यार तुम बहुत ज़्यादा जो भी तुक्के मारते हो वो गलत ही निकलते हैं हमेशा तो तुक्के मारना अवॉइड करो लेकिन ऐसा लग रहा है कि दस में से तुम्हारे चार तुक्के से ही हो जाते हैं तो फिर चलने दो और एक और इम्पॉटेंट बात कि पेपर का फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही जिस भी क्वेश्चन में तुम तो उलझ रहे हो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें तो लगे यार ये तो हम एकदम सही सोच रहे थे मतलब क्या क्या गलती होगी कि आंसर गलत हो गया तो ऐसे क्वेश्चन में जो तुम्हारा थ्योरी हिट हो रही है कि यार कोई चीज़ स्किप हो गई है या ये चीज़ और पता चल जाए तो वो अपने नोट्स में से ऑन द स्पॉट उसी दिन रिवाइज़ कर लो पर्टिकुलर उसी दिन तुम उसको रिवाइज़ करके ख़त्म करो इस तरीके से तुम्हारा पूरा रिवीजन भी सर्कुलर उसमें चलता रहेगा डेली एक पेपर करने का टारगेट बनाओ तीन घंटा तुम्हें निकालना पड़ेगा आ, बहुत इंपॉर्टेंट है इट रिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं स्कूल में या जो भी जैसा भी चल रहा है अभी तुम्हें तीन घंटे निकालना है एक पेपर करने के लिए और एक घंटा निकालना है ताकि तुम उसमें एनालाइज़ कर सको कि भाई जो भी रेक्टिफिकेशन ज़रूरत है कि भाई ये मेरे को नहीं बना कि ये मैं मेरा स्लिप हो गया ये लॉजिक आता तो था लेकिन उसको तुरंत देख लो बिल्कुल ऐसे मत देखो कि आप नेक्स्ट पेपर में देखेंगे या नेक्स्ट पेपर से कर लेंगे एक घंटा फीडबैक के लिए सॉल्यूशन मत देखो फीडबैक मतलब अपना अंदर आ, आराम से ऐसे बैठ जाओ और सोचो कि भाई क्या चीज़ उलझ गई थी अपने दिमाग से सोचो पेपर को पलटने की ज़रूरत नहीं है पेपर देने के बाद पेपर देते टाइम ही तुम किसी चीज़ में स्ट्रक हो रहे हो उस कॉन्शियसनेस को याद रखो बस कि यार किधर स्ट्रक हो रहा था मैं या हो रही थी मैं और उसके बाद उसे ऑन द स्पॉट देख के उसी दिन ख़त्म कर दो कि हाँ भाई अब ऐसा आएगा ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ में नहीं उलझूंगी मैं इसके बाद ठीक है सो so, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली तुम्हें कहना था और इस तरीके से तुम अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डेवलप करते हुए सारे पेपर्स देते जाओ ठीक है थैंक यू वेरी मच